आप सभी ने पतंग उड़ाए होंगे या उड़ाते हुए देखे होंगे। ये पतंग हमेशा हवा की दिशा में ही उड़ते हैं। हवा की दिशा का हम कैसे पता लगा सकते हैं? आइए एक छोटे से क्रियाकलाप से हम हवा की दिशा बताने वाला यंत्र बनाना सीखें। इसके लिए हमें चाहिए कोई भी एक तार का टुकड़ा, जिसे एक रिंग के आकार में बनाया जाएगा, कैंची, धागा और कोई भी एक कपड़ा। सबसे पहले तार को एक रिंग के आकार में बना लेंगे और कुछ इस तरीके से कि उसका एक सिरा नीचे सीधा नजर आए, जिसको हम बाद में किसी पाइप या स्ट्रो के अंदर जब फिक्स करेंगे तो वो फ्रीली मूव कर सके। इसके बाद उस रिंग पर कपड़े को सुई धागे की मदद से कुछ इस प्रकार से सिल लेंगे कि वो अंत में एक कॉनिकल शेप में बन जाए, जैसा कि हमने पहले से तैयार किया है। रिंग के ऊपर कपड़े को लगाया और अंत में ये एक कॉनिकल शेप की तरह से बना हुआ है। इस विन वेन को हम किसी भी जहाज या किसी भी ऊंचाई के स्थान पर लगा देंगे तो ये हवा में हवा की दिशा की तरफ लहराना शुरू। इसका उपयोग आमतौर पे नौकाओं या जहाजों के अंदर हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है।